हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। देवांश ब्लॉक 2.0 में आपका स्वागत है। बारिश के बाद RCML कोल माइंस का हालत बद से बदतर हो गया है। देखिए कोल माइंस का रोड किस तरह पूरा बारिश में भर गया है। इस रोड में हाल फिलहाल में ग्रेडर मारा गया है, जिससे रोड थोड़ा क्लीन हुआ है। दोनों साइड में हल्का हल्का मिट्टी जमा हुआ है। बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। देखिए क्या दृश्य है, चारों तरफ खुशमिजाज मौसम बना हुआ है। और इस RCML साइड बहुत ही गजब का दिख रहा है, मगर रोड के किनारे और बगल में बहुत सारे गड्ढे में पानी भर गए हैं, जिससे आवाजाही बहुत ही बाधित हो गया है। देखिए आगे आगे एक कैंपर जा रही है और उसके पीछे पीछे हम लोग का गाड़ी है। दोस्तों आज शाम में रोड देखिए कितना कीचड़ से लबालब भरा हुआ है और रोड में पानी भी भरा हुआ है। ग्रेडर मारने के बाद भी देखिए मित्रों आगे से एक कैंपर और JCB आ रही है। JCB कहीं बारिश के वजह से नाली उली कट गया होगा, उसे क्लीन करने के लिए गया था। देखिए मित्रों तालाब की तरह रोड नजर आ रहा है और कीचड़ से लबालब है।
अध्यक्षीय मित्रों आरसीएमएल पॉल्स माइंस में इधर से ग्रेडर मारने के बाद पुनः उधर से ग्रेडर मारते हुए आ रहा है, जिससे रोड क्लीन होता हुआ जा रहा है, जिससे गाड़ियां कीचड़ में ना फंसे और आवाजाही चलते रहे, जिससे प्राइवेट कंपनी में पैरक मजदूरों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए ग्रेडर निकला और ये कन्वेयर बेल्ट जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग सारे रुके हुए हैं। टॉस ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब नाउ।